हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक यूनिक। दोस्तों, इस समय ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सब सामने आ रही है कि सबका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो क्या करें, कैसे उससे बचा जाए। अगर चोरी हो जाता है मोबाइल तो कैसे उसको रिकवर किया जाए, दोबारा पाया जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो कैसे अपने डेटा को बचाया जाए, जो आपकी पर्सनल प्राइवेट फाइल्स वगैरह हैं, फ़ोटोज़ हैं, कैसे उसको बचाया जाए, डिलीट करा जाए, अपने फ़ोन को सिक्योर करा जाए और कैसे उससे कॉन्टैक्ट करा जाए। इस वीडियो में ये सब सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च वाले बार पर ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पे देखिए सर्च कर लेना है फाइंड माई फोन। तो देखिए नेटवर्क स्लो है, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए गूगल का ये ट्रस्टेड ऐप है, कोई फेक वाला ऐप नहीं है। तो सिंपली से आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए इसके डाउनलोड्स वगैरह बढ़िया हैं, रेटिंग्स भी अच्छी खासी है और ये कोई फेक ऐप है नहीं, बिल्कुल ट्रस्टेड गूगल का ऐप है। तो यहाँ से अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या यही सेम प्रोसेस आप क्रोम ब्राउज़र से अपने कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से क्रोम ब्राउज़र से ही कर लेता हूँ। सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर्च वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ सर्च कर लेना फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस इतना आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर टच कर देना है। तो देखिए इनकी ट्रस्टेड वेबसाइट पर आप चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है आपका मोबाइल। देखिए जो प्रेजेंट टाइम पर मैंने ईमेल अपलोड कर रखा है, यानी कि लॉगिन कर रखा है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एयरटेल की सिम लगी है और देखिए ऊपर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 32% इस समय चार्ज है और यहाँ पे 32% दिखा रहा है। तो मैं जैसे यहाँ से अकाउंट चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे दूसरा अकाउंट आप चेंज करना चाहें तो अपना अकाउंट दूसरा भी यहाँ से ऊपर से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना ईमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड आपको एकदम मुँह जवानी रटा होना चाहिए, तभी आपका फ़ोन दोबारा मिल सकता है कुछ उम्मीद है और आप अपना डेटा डिलीट कर पाएंगे। तो देखिए मुझे जैसे अपना ईमेल पासवर्ड सब याद है, मैंने डिवाइस में पहले से ही सेव कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप उस मोबाइल में साउंड भी प्ले कर सकते हैं, अगर आप दूसरा बंदा आपका अगर मोबाइल पा चुका है आसपास ही, वो कहीं खड़ा है आपको नहीं पता, उसने अपना फ़ोन म्यूट लगा रखा है, साइलेंट कर रखा है, आप फ़ोन कर रहे हैं आपको पता नहीं है, तो इससे कैसे फेस करा जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए प्ले साउंड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में बजने लगेगा। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए तुरंत आपके सामने बज रहा था फ़ोन। तो इससे यही फ़ायदा है आपको मिलने वाला इसके आगे, और यहाँ से अपना डिवाइस आप सिक्योर भी कर सकते हैं और अपना पूरा डेटा इरेज भी कर सकते हैं। अगर सिक्योर पर जाएं तो देखिए यहाँ पे रिकवरी मैसेज जो है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर बाइंड कर सकते हैं। तो ये बाइंड करने पर क्या होगा, जब उसका मोबाइल एकदम से लॉक हो जाएगा, स्क्रीन पर खाली जैसे आपका नाम ही दिखाई देगा और आपका मोबाइल नंबर कॉल करने के लिए आ जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा आपको लगता है कि इसे जाननी चाहिए तो वीडियो शेयर कर दीजिए उसके पास, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और ये चीज़ एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिए क्योंकि बिल्कुल ट्रस्टेड चीज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।